मामला यह है कि हम यह बिशनपुर गोरी बस्ती का है, यहाँ पे जो है ना दारू का कारोबार बहुत चल रहा है। ठीक, अगर हम लोग शाम में कहीं बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ दारू पीने वाले का पूरा ताता लगा हुआ रहता है, जिसमें कि कोई भी किसी को भी बिना जाने बूझे रुपया दे देता है कि दारू दीजिए। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे बस्ती में दारू जो चल रहा है, दारू बेचने का कार्य पूरी तरह से बंद किया जाए। हम लोग का मांग यही है प्रशासन से कि हम लोग का ही बिशनपुर थाना के बगल से मैं गोरी टोला नाम से जाना जाता है, और जब हम लोग शाम के टाइम में घर से बाहर निकलते कोई भी आधार आदमी आकर के कहता है दारू दीजिए, जब हम लोग दारू बेचते नहीं तो क्यों हम लोग को कोई बोलेगा कि दारू दीजिए। सबका अपना अपना ये है, जिसके जो बेचता है उसके पास जाना चाहिए ना, लेकिन हम लोग के आधार आदमी के पास किसी के पास भी टोक देता है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं जल्द से जल्द ये गोरी टोला दारू पूरे बंद होना की को जारी रख जा, जहाँ तक की कोशिश कीजिए पूरे बंद होना। की हम सर धी बेटी छे ओसवार तने दारू बला ओसो छे दीवार तने देखो छे बोले हमको बड़े दारू चाहिए। दीदी हम सारे घरों पर गेल मोरो तो धी बेटी छे तो बोले आपका यहाँ बोले दारू रखता है तो आप चलिए दारू रखता है तो आप चलिए वहाँ इंक्वायरी कीजिए। इलाहाबाद कोनू उठीन से बस है ना, ये भंगा घर में रखता है दारू, हम जब चलिए घुसिए इरा बात कहाँ बार बात तब पुलिस वाला निकले चले गए तो दारू हम सार बस्ती बंद हवा चाहिए बेटा, हम सारा अधिपुत हो छे। समस्या है कि गोरी टोला में अवैध धंधा हो रहा है, जो सर आपका धंधा हो रहा है ना, तो ये जड़ से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि चार पांच लोगों की वजह से पूरा गांव का इज्जत खराब हो रहा है। जैसे कोई बाहरी आदमी यहाँ आना नहीं चाहता है, कोई भी अगर आए तो यही सोच रहा है कि हम साला दारू पीने जा रहे हैं, कोई भी ये सब सोचेगा, इस वजह से वो नहीं आना चाहते। इसलिए हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे गोरी टोला में दारू बंद किया जाए और हम लोगों का गोरी टोला पहले की जैसा साफ सुथरा हो। अभी गोरी टोला का नाम को बहुत कोई सताड़ी टोला के नाम से जाना जाता है, इसीलिए हम कहते हैं गोरी टोला साफ सुथरा हो, इसीलिए हम प्रशासन से यही मांग है कि मतलब खत्म हो जाना चाहिए, या ये गोरी टोली से टोला से नहीं, मतलब पूरे मतलब बिहार से खत्म हो जाना चाहिए दारू जो बेच रहे हैं अवैध रूप से। बस यही कहना चाहता हूँ कि खत्म हो जाए पूरे रूप तरह से। मैं जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने उनके थोड़े बच्चों को मैंने बोला कि आओ मेरे घर घूमने के लिए, तो वो सीधा मना करते, उनको अच्छा नहीं लगता। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं लगता अच्छा, बोलते हैं वहाँ पे ऐसा ऐसा बात है कि दारू वारू बिकता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अलग दूसरे नजर अजीब टाइप से देखते हैं हम लोगों को, इसलिए हम नहीं आते हैं। तो बस मेरा प्रशासन से यही विनती है कि पूरा हमारे गांव से बहुत दिन से अवैध रूप से शराब धंधा चल रहा है, उस हम चाहेंगे कि सारा माफिया को जड़ से ख़त्म किया जाए, ये नहीं कि जान से ख़त्म किया जाए, उस चीज़ को ख़त्म किया जाए जो लोगों को पूरा हानि दे रहा है, कितना का घर बर्बाद हो रहा है। और इस बड़ा बाबू जो बहुत ही एक्टिव है, हम इससे तहे दिल से गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो इसको जड़ से ख़त्म करें। दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को बेवजह जो है किसी के नज़र में गिरना ये कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आते हैं, हो सके आपका गांव का हो या कहीं का हो, दोस्त यार हो, बहुत तरह की बात है, तो लोग हमारे बिशनपुर बाज़ार में आने के लिए बड़ी खुशी रहते हैं, पर उनके सटे से गोरी बस्ती जो वहां आने के लिए कतराते हैं। विषय ये है कि दारू से संबंधित बेचता कोई और है और किसी के घर में जाता है, तो ये बड़ी दुखद समस्या है। इसी समस्या को लेकर के हम सभी ग्रामीण वासीगण जो हैं उनका विरोध प्रदर्शन में है कि भैया को कोई करे, भोगना किसी और को पड़े। आज हमारे घर में दारू मांगने आता है, कल किसी के घर में छापामारी करने जाता है, जबकि यह सरासर गलत है, क्योंकि प्रशासन का भी इसमें गलती इस विषय से नहीं ठहरा सकते हम, क्योंकि उनको ये जानकारी मिलती है कि इस गांव में 100% दारू बिकता है और हर कोई बेचते हैं, इसी लेकर के हम लोगों के घर में आते हैं। आज से दो चार दिन पहले हमारा घर में डाले जाकर दारू मांगते थे, उस समय हम घर में नहीं थे, उस समय घर में हम थे, अगर हम घर में उस समय नहीं रहते तो हमारी वाइफ से यही बात बोली जाती कि अब हमको दारू दो। तो लोग जहाँ पे गलत विचार से आते हैं, हो सकता है उस विषय में और क्या क्या बात बोल सकते थे वो, पर इस विषय का हमको अंदाजा नहीं ली, पर मेरा बदन में इस विषय से आग इस बात से लगा हुआ है, ये जो गलत कार्य हो रहा है इनका विरोध में हम लोग खड़ा हुए हैं। प्रशासन से ये मांग है और ये उम्मीद भी है कि ऐसे दुष्प्रभाव को जल्द से जड़ से खत्म किया जाए, अगर जड़ से खत्म होता है तो प्रशासन एवं जनप्रतिनिधिगण एवं मीडिया बंधु का हमेशा ये गाँव आभार प्रकट करेगा। Thank you.